इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसानों का घर कहा जाने वाली पृथ्वी आज खतरे में है, और उसे ये खतरा किसी और से नहीं बल्कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे पर्यावरण प्रदूषण से है। बीते कुछ सालों में हम यह अनुभव कर सकते हैं कि जैसे गर्मी का बढ़ना, बारिश का कम होना, ये सब जलवायु परिवर्तन के खासा उदाहरण हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ही अक्सर हमारे ग्रह पृथ्वी पर ऐसी ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं जिसका खामियाजा मानव जाति को ही भुगतना पड़ा है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्राकृतिक आपदाओं की असली वीडियोस, जिसे देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रही कुछ वीडियोस। दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें हैं जापान के क्यूशो आइलैंड की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ज्वालामुखी के पत्थर खिसक जाते हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है। क्यूशू में ये एक बहुत ही बड़ी तबाही का कारण बना। ये तस्वीरें हैं जापान की 2011 की सुनामी की, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस घटना ने पूरी दुनिया का दिल दहलाकर रख दिया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह आने वाली बर्बादी को अपनी आंखों से देख रहे हैं और बेबस लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये अगली वीडियो है वेरे कोरलेडो की। ये एक टॉर्नेडो की बहुत ही पास से बनाई हुई वीडियो है। वेरे में यह टॉर्नेडो करीब 8 साल पहले आया था, और इसमें करीब 3,000 लोगों की जान गई और करीब 200 लोग लापता हो गए। जापान में 2011 में आई सुनामी से पहले के भूकंप की ये कुछ तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ है कि भूकंप बहुत ही भयानक है, पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पर प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। इस भूकंप के ठीक एक हफ्ते बाद ही जापान में बहुत बड़ी सुनामी आई, जिसने जापान को दहला कर रख दिया। इस प्राकृतिक आपदा में 3 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने का हमारा खास मकसद यही था कि आज हमारी पृथ्वी पर दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसके सामने मानव बेबस है। और यदि इसको सही समय पर नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसी ही बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जगह जगह आएंगी, और शायद हो सकता है एक दिन हमारे ग्रह का नामो निशान ही मिट जाए।